फिर से वही कहानी, आप लोग का कमेंट है। सबसे पहले देखिए कि लाभार्थी का आधार पहले से मौजूद है। अगर आप लोग को इस तरह से लिख के आ रही थी तो आप लोग को एक दो दिन पहले आप लोग को वीडियो बताए थे कि बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिटेड, इस तरह से आप लोग को जो है बताया गया था। और जो आंगनवाड़ी शिविर के अगर नए हैं वो पूरा वीडियो देख लीजिए कि आप लोग को किस तरह से जो है, अगर आप लोग को इस तरह से लिख रही है यानी कि जो है लाभार्थी का आधार पहले से मौजूद है या बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिटेड, इस तरह से अगर आप लोग को लिख के आ रही है तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और इस प्रॉब्लम को जो है 2 मिनट के अंदर में आप लोग आसानी से जो है हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं बाद बाकी जो आंगनवाड़ी शिविर के अगर नए हैं तो भाई समझ के आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोषण ट्रैकर खोलते हैं और खोलने के बाद आप लोग को प्रॉब्लम जो आ रही है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि ऊपर में ही आप लोग को दिख रही होगी, इस तरह से हमने जो है प्रेग्नेंट वुमेन को जब हमने रजिस्ट्रेशन किए थे तो इस तरह से जो है हम लोग जाते हैं तो हमने रजिस्ट्रेशन किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग को जो है लाभार्थी सूची यानी कि जो है लाभार्थियों का सूची में जो है इस तरह से नोटिफिकेशन हम लोग को आ गई है। जैसे कि देखिए प्रेग्नेंट वुमेन का हमने जो है रजिस्ट्रेशन किया था तो यहाँ पर देखिए कि लाभार्थी का आधार पहले से ही मौजूद है, इस तरह से जो है आप लोग को भी लिख के आ रही होगी। और इससे पहले आप लोग को जो है बताया भी गया था इसके बारे में वीडियो, लेकिन चलिए आज हम लोग जानेंगे यानी कि अगर आप लोग को इस तरह से जो है लाभार्थी का आधार पहले से मौजूद है इस तरह से लिख के आ रही है तो किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि बैक होंगे। बैक होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ज़्यादा होगा या इंग्लिश में होगा तो मोर होगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि इस तरह से जो है हम लोग सबसे पहले भाषा चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंग्लिश भाषा हम लोग कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे इस तरह से जो है पेज खुल के जो है आ जाएगी। आने के बाद यहाँ से हम लोग जो है इसको सबमिट मारेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो है टूटी क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद देखिए कि अब जो है इंग्लिश हो गई है, अब इस तरह से जो है अच्छा से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि आप लोग को जो है अगर उस तरह से लिख के आ रही होगी तो आप लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ से बैक होते हैं सबसे पहले और आप लोग को फिर से दिखाते हैं कि यहाँ पे आप लोग को लिख के आ रही थी यानी कि इस तरह से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिटेड। इसके बारे में भी आप लोग को 2-4 वीडियो हमने दे चुके हैं, लेकिन आप लोग को अगर हिंदी में करके रखे हुए होंगे तो आप लोग जो है हिंदी हो या इंग्लिश हो आप लोग सेम प्रोसेस है, आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मोड में जाएंगे यानी कि मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि बेनिफिशियरी माइग्रेशन यानी कि आप लोग को यहाँ पे दिया गया है क्या जो है बेनिफिशियरी माइग्रेशन यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी। आने के बाद आप लोग को जो है किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में क्यों ना इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन आप लोग आसानी से जो है अपने आंगनबाड़ी में ला सकते हैं, बशर्ते आप लोग को क्या करना होगा कि उनका जो है मोबाइल नंबर सही सही आप लोग के पास होनी चाहिए और आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कि अगर सब कुछ पता है फर्स्ट नंबर में मोबाइल नंबर, ठीक है, अगर मोबाइल नंबर उसके बाद आधार, ठीक है, आधार में तो आप लोग को डेट ऑफ बर्थ हो गया और जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यानी कि माइग्रेशन बेनिफिशियरी में हम लोग जाएंगे, माइग्रेट टू बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को जो है यानी कि मोबाइल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी यानी कि जो है मोबाइल नंबर आप लोग को जो है डालनी है जो बेनिफिशियरी का होगा वो सबसे पहले आप लोग को डाल लेनी होगी। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो है ये बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर हमने पूछा था तो बताई थी कि हमने जो है दूसरे आंगनबाड़ी में इस तरह से जो है हमने मोबाइल नंबर ये डाला था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कि इनका मोबाइल नंबर डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग के पास आधार कार्ड होगा, इनका आधार पे जो नाम होगा वो नाम आप लोग को जो है सही से आप लोग को डालनी है। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे इस तरह से जो है डालना होगा तो इस तरह से हमने डाल लिए यानी कि इनका जो है नाम, और उसके बाद क्या करेंगे कि सबमिट मारेंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट मारेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग देखिएगा कि ये सबमिट हो जाएगी। होने के बाद जो नंबर दिए थे उस पर जो है ओटीपी जाएगी,
लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्या करनी होगी कि यहाँ से आप लोग को सेंड टू ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कि इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे कि इनका जो है सेंड हो गई ओटीपी, यानी कि इस तरह से आप लोग देखिए कि यानी कि इनका जो ओटीपी जो आई वो ओटीपी आप लोग ने भी देखा कि यहाँ पे इस तरह से जो है ओटीपी 7221 आ गई है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए कि 7221 आप लोग यहाँ पर डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप लोग को जो है टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। और जितना भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि भाई समझ के आप लोग हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो जल्द से जल्द इसी तरह से आप लोग को वीडियो बताई जाएगी। जैसे कि देखिए अभी जो है आप लोग को ओटीपी आ गई है और हमेशा चेंज होकर आती रहती है। जिनका मोबाइल नंबर आपने डाला है वो मोबाइल आप लोग के पास रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ने देखा कि यहाँ पर 4 अंकों का ओटीपी आया और हमने डाल दिए और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को टिकट मारनी है। मारने के बाद यहाँ पे जो है वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है खुल के आ जाएगी। और आने के बाद यहाँ पे देखिए कि जो है आधार में जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया था वही जो है डेट ऑफ बर्थ आप लोग को यहाँ पे डालनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है इनका आधार कार्ड तो था ही लेकिन हम लोग चलिए डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ईयर है जो यहाँ पे आप लोग को दिख रही है ईयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितना ईयर का होंगे यानी कि आप लोग ईयर पे जो है सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है डेट यानी कि ये जो है डेट दिया गया है और यहाँ पे माह दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है ये जनवरी हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। और लाने के बाद यहाँ पे जो है 1 तारीख है, 1 तारीख पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि 1 जनवरी 1998 यहाँ पे आ गई और ओके आप लोग यहाँ पे मारेंगे। जैसे ही तो यहाँ पे आप लोग को सेट हो गई। होने के बाद आसानी से जो है आप लोग यहाँ पे सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो देखिए कि इस तरह से जो है आप लोग देख रहे होंगे कि ममीना खातून के नाम से जो है इस तरह से जो है माइग्रेट जो हो गई है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग माइग्रेट करेंगे तो इस तरह से आप लोग देखिए कि बेनिफिशरी माइग्रेशन जो है आप लोग को जो है अंडर प्रोसेस में हो जाएगी और बैक हो जाएगी। होने के बाद यहाँ पे जो है व्यू माइग्रेशन प्रोफाइल भी आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। और बैक होके आप लोग यहाँ पे आएंगे। जैसे ही आएंगे तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि बेनिफिशरी में जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही बेनिफिशरी में जाएंगे तो जो अभी आप लोग देख रहे थे वो जो है प्रेग्नेंट वुमेन में आप लोग को जो है यानी कि इस तरह से देखिएगा कि ममीना खातून के नाम से जो है लगभग यानी कि इस तरह से रिफ्रेश मारते हैं आप लोग। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि रिफ्रेश मारने का यहाँ पे दिया गया है। आप लोग अगर रिफ्रेश मारते हैं इस तरह से तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ममीना खातून के नाम से जो है यानी कि ये लाभार्थी आ गई। और आप लोग आसानी से जो है देखें कि अगर किसी भी आंगनबाड़ी में हो सकेगा अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिए होंगे तो वहाँ से आप लोग आसानी से जो है उनका मोबाइल नंबर और आधार ले कर आसानी से जो है इस तरह से जो है अपने आंगनबाड़ी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि देखिए कि अभी हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो इस तरह से नोटिफिकेशन आ रही थी और आप लोग ने देखा कि ममीना खातून के नाम से जो है हमने अभी जो है रिकवरी कर लिए। और आसानी से जो है हम लोग इसको दोनों को डिलीट करेंगे इस तरह से। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि आप लोग को जो है यहाँ पे खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो है 5 थी अब 6 हो गई। और जो लाभार्थी को हम लोग को रजिस्ट्रेशन करनी थी वो ममीना खातून के नाम से यहाँ पर आ भी गई। तो इस तरह का जो है आप लोग का वीडियो था, क्योंकि आप लोग का कमेंट था इसीलिए हमने जो है इस तरह से जो है वीडियो बताए हैं। बाद बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमारे आंगनबाड़ी हेल्पलाइन पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि हमें अच्छा लगे। और आप लोग को जो है अधिक से अधिक इसी तरह से वीडियो बताते रहे। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।